दोस्तों, वॉकिंग स्टिक दुनिया के सबसे अनोखे और अजीब प्राणियों में से एक हैं। ये ऐसे प्राणी हैं जो बहुत ही लंबे और पतले होते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल किसी छड़ी या टहनी की तरह दिखाई देते हैं। और यही इनकी प्राकृतिक विशेषता है जो इन्हें छलावरण की शक्ति प्रदान करती है, जिसके कारण ये अपने शिकारियों से अपनी जान बचा लेते हैं। ये वॉकिंग स्टिक एक शाकाहारी कीट है जो कि दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कीड़े न सिर्फ छलावरण में माहिर होते हैं, बल्कि ये व्यवहार में भी पत्तियों और टहनियों की नकल करते हैं। और जब भी हवा से पत्तियां और टहनियां हिलने लगती है, तो उसके साथ ये भी हिलने लगते हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए खुद को कई तरीके से विकसित कर लिया है। जैसे कुछ छड़ीदार कीड़े कई घंटों तक मृत अवस्था में पड़े रहते हैं, क्योंकि कई शिकारी सिर्फ जीवित भोजन को खाना ही पसंद करते हैं, और कुछ मरे हुए कीड़ों से दूर भागते हैं, और कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिसके पास कांटेदार स्पाइक्स होते हैं जो खतरे के वक्त शिकारियों को चुभोने में काम आते हैं, और कुछ प्रजातियों के पास बदबूदार और जलन पैदा करने वाले एसिड होते हैं जो खतरे के वक्त अपने शिकारी पर छिड़कने के काम आते हैं। अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कीड़ों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका यह मिलन कई घंटों, दिनों या हफ्तों तक चल सकता है, जिसका समय प्रजाति के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। तो जैसे ही इनके अंडे देने का समय आ जाता है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने अंडे दे रही है। ये मादा एक बार में 100 से 1000 तक अंडे दे सकती है, जिसका साइज 1 से 2 mm के बीच होता है, जो बिल्कुल किसी बीस की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कीड़े अपने अंडे देने के लिए कोई घोंसला नहीं बनाते, बल्कि ये अपने अंडे मिट्टी के ऊपर या पौधों पर झटक कर या फिर गिराकर चले जाते हैं। यानी ये कीड़े अपने अंडों की कोई देखभाल भी नहीं करते और अपने नियमित जीवन शैली की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनके अंडे एक बीज की तरह होते हैं, और ये आकार में छोटे, अंडाकार और कठोर खोल वाले होते हैं। इन अंडों में कैपिटोला नामक पदार्थ होता है, जो एक ऐसा पदार्थ होता है जिन्हें चींटियां खाना पसंद करती है। और जब इन चींटियों को ये अंडे मिलते हैं, तो ये इन अंडों को अपने घोंसलों में ले जाती है और भ्रूण को नष्ट किए बिना कैपिटोला को खा जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चींटियां इन अंडों से अपना पसंदीदा पदार्थ खाकर इन अंडों को कोई और नुकसान नहीं पहुंचाती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये चींटियां इन अंडों से कुछ खाते हैं, तो इन अंडों को नुकसान कैसे नहीं पहुंचता? तो आपको बता दूं कि ये चींटियां अंडों से जो चीज़ प्राप्त करती है, उस चीज़ के निकल जाने से अंडों के अंदर पलने वाले बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, और यही इसकी सबसे खास बात है।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये अंडे चींटियों के घोंसले में पहुंच जाते हैं तब ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि ये अंडे लावारिसों की तरह ज़मीन और पौधों में पड़े होते हैं और तब ये सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं, जिसके कारण ये बड़ी आसानी से किसी भी पक्षी या छोटे मोटे कीड़ों का शिकार बन सकते हैं। लेकिन जब ये अंडे इन घोंसलों में होते हैं तब ये शिकारियों से सुरक्षित तो होते ही हैं, लेकिन साथ में ठंड से भी सुरक्षित होते हैं। और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो इन अंडों से बच्चे निकलना शुरू होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे हैं। इन कीड़ों की कुछ प्रजातियाँ होती है जिनके बच्चे बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी हैं जिनके बच्चों को बाहर आने में थोड़ा लंबा समय लगता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इन अंडों के हैच होने का समय प्रजाति, आवास और मौसम के आधार पर कई हफ्तों से लेकर महीनों तक हो सकता है। इन बच्चों को निम कहा जाता है, जो देखने में बिल्कुल वयस्क कीट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये आकार और रंगों में बिल्कुल अलग होते हैं। तो जैसे ही ये अंडों से बाहर आ जाते हैं उसके बाद ये पौधों और पत्तियों को खाना शुरू करते हैं, जिसके कारण ये तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही ये बढ़ना शुरू करते हैं उस दौरान ये अपनी त्वचा को भी बदलते रहते हैं। आपको बता दूं कि ये बढ़ने के दौरान 4 से 8 बार अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। और जब जब ये अपनी त्वचा को बदलते हैं उसके बाद ही ये अपनी छोड़ी हुई त्वचा को खा लेते हैं, ताकि ये ज़्यादा पोषण प्राप्त कर सकें। और इस तरह ये 3 महीनों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। और जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं तो आप नर और मादा दोनों को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर बात करें मादा के पहचान की तो मादा नर से थोड़ी बड़ी होती है, और अगर बात करें नर के पहचान की तो नर के पास पंख मौजूद होते हैं, जिसका इस्तेमाल वो उड़कर मादा को ढूंढने के लिए करता है। और जैसे ही ये मादा की तलाश कर लेता है उसके बाद ये मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इन कीड़ों का जीवन काल 1 से 2 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।